हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। शुक्रिया आप मेरे चैनल पे आए हैं। तो ये है कि आज मैं आपको चटनी बनाना सिखाऊंगी, टमाटर और हरी मिर्चें और थोड़ा सा धनिया। तो बहुत मज़ेदार बनती है ये चटनी, चावलों के साथ भी खा सकते हैं, घी वाली रोटी के साथ भी खा सकते हैं आप। तो ये मैंने देसी पुदीना लिया है एक गठी, तो ये मैंने बना ली है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये पुदीना है जी, देखे ये मैंने ना चटनी का सारा तैयार कर लिया है। ये थोड़ा सा धनिया है और ये पांच चार मिर्चें हैं और एक टमाटर है। तो ये है कि अब मैं इसे अच्छी तरह धो के ना, तो फिर मैं पीस के ना आपको दिखाती हूँ। तो थोड़ा सा नमक डालना है इसमें, थोड़ा सा थोड़ी सी लाल मिर्चें डालनी है आपने। तो बहुत मज़ेदार बनती है कि मैं तो आपको बता नहीं सकती, मुझे बहुत पसंद है। तो आप ये ट्राई करना घर पे, या आप बना के फ्रिज में भी रख सकती हैं। तो ये है कि बड़ी मज़ेदार बनती है ये चटनी। तो नमक है और आधा जी चम्मच है लाल मिर्चें, और ये मैं डालने लगी हूँ इसमें। जी देखें ये गाइस, चटनी बन चुकी है, आप लाजमी ट्राई करनी है। आपने पराठे के साथ भी खा सकते हैं, आप चावलों के साथ भी, बिरयानी के साथ भी खा सकती हैं। ये बहुत मज़ेदार बनती है। तो ये ग्राइंडर से नहीं मैंने पीसी, ये मैंने ना चट्टू बट्टे में पीसी है। तो ये है कि ग्राइंडर में पीसने से ना इसका जायका नहीं वो होता जो चट्टू बट्टे में कूटने से अच्छा मज़ा आता है खाने में। तो ये है कि ये देखें, मैंने ये लाजमी ट्राई करना है, ये बहुत मज़ेदार है। आप फ्रिज में भी रख सकते हैं बना के। तो आपने लाजमी, और मुझे लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। बाय बाय।